स्टूडेंट आई एम सलमान असद, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सिंह बोर्ड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को कंप्लीट करना है। याद रहे कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो अभी तक पास पेपर में नहीं आया, लेकिन ये आपके वो जो है सप्लीमेंट्री है उसमें आया हुआ है, तो लिहाजा मैंने आपको बता दिया, जरा इसको गौर से समझ लीजिएगा। चलें जी, आए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 3 ले लिया है, क्वेश्चन लिख लिया, सोल्यूशन लिख लिया। सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा से हम लोग जो हमारा क्वेश्चन है उसको लिख चेक कर देंगे और वापस लिखेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, ये हो गई कहानी। अब मुझे इसके ऊपर क्या मालूम करनी है, लिमिट्स। तो लिमिट्स लेने के लिए मैं क्या लिखूंगा, टेक लिमिट्स एक्स अप्रोच टू क्या मालूम करनी है, माइनस इन्फिनिटी, जो मेन क्वेश्चन में कहा गया है वो लिख दी ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, जो कहा गया था तो मैंने ले ली। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा कि जो लिमिट्स है वो लेफ्ट हैंड साइड पर भी ले लो, ठीक है स्टूडेंट, और जो लिमिट्स हैं वो राइट हैंड साइड पर भी ले लें आप। ठीक है जी स्टूडेंट, तो एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब जरा देखिएगा आगे क्या होना है। अब हमें देखिएगा, आपको पता है जहाँ पे भी लिमिट इन्फिनिटी दी गई हो वहाँ पे आप क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू को कॉमन लेते हैं एंड देन वी टेक कैंसिलेशन, कैंसिल आउट होकर फिर हम उसके अंदर लिमिट अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको याद है कि इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आप ऊपर भी कॉमन ले लो नीचे भी कॉमन कुछ ना हो तो आपकी चीज जो है वो कैंसिल आउट ना हो रही हो, तो फिर यहाँ पे आप क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो यहाँ पे मैं आपको मशवरा दूंगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पहले खुद अटेंड करें, अगर नहीं होता तो फिर वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए जी अभी देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। तो जरा देखिए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन का सबसे पहले आप क्या देंगे, रेफरेंस देंगे। रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, आपको ये वाली बात पता होगी, एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है जी, इससे मल्टीप्लाई क्या होगा, आपको पता है जो डोमिनेंट टर्म होती है, डोमिनेंट टर्म यहाँ पे क्या, एक्स प्लस वन, उसका साइन चेंज कर देते हैं बीच का, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दिया, सिंपल। तो उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड उसको डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, रैशनलाइजेशन के अंदर यही चीज होती है, आपको पता है हमने कभी पहले भी की हुई है। तो अब अभी देखिएगा क्या होगा स्टूडेंट, तो एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। ठीक है जी, इंटू डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, ये भी इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है जो सिंपल डिवाइड के अंदर है तो उसको मैंने वन प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब जरा देखिएगा ऊपर एक हो रहा है, फार्मूला लग रहा है, फार्मूला क्या लग रहा है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। याद देखें, एक टर्म जब एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखी हो तो हम इसको कैसे कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं और अपने आंसर की तरफ चलते हैं। तो जरा देखिएगा आगे क्या होगा, लिमिट्स एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है जी, एक्स आया, अब जरा देखिए ए यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एक्स अंडर रूट स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए, ए यहाँ पे बेसिकली एक्स, ए यहाँ पे बेसिकली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन को रिप्रेजेंट कर रहा था और बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को। ठीक है, तो आपने एक्स का स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब आगे चलते हैं, तो उम्मीद है ऊपर जो फार्मूला लगा है वो आपको समझ आ गया, और ये जो एक्स था वो ऐसी का ऐसे ही उसे मल्टीप्लाई में रहा, और नीचे क्या है, नीचे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और प्लस एक्स था वो ऐसे कैसे रहा। अब जरा देखते हैं आगे चलते हैं, तो लिमिट्स एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी एक्स इंटू, तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, स्क्वायर प्लस वन माइनस, ये एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड के अंदर क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस एक्स। ठीक है जी स्टूडेंट, तो देखें ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो अब जरा देखें आपके पास क्या बचा, लिमिट्स एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए ये यहाँ पे सिंपल आपके पास वन रह गया, तो एक्स को मैंने वन से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर एक्स बच गया, और डोमिनेटर के अंदर जरा देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जरा मुझे बताएं स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको पता है कि अब हम कॉमन ले सकते हैं, अगर आप ऊपर भी कॉमन हो नीचे भी कॉमन हो तो ऊपर और नीचे वाली जो जो भी चीज निकली वो कैंसिल आउट हो जाएगी राउंड सकून से। तो चले जी लेते हैं, तो जरा देखिएगा मैं ऐसे कैसे लूंगा, लिमिट्स एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, ऊपर जो एक्स है वो ऐसे का ऐसे ही रहा। अब नीचे जरा देखिएगा क्या होगा, जरा देखिए इनके अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो जरा एक्स स्क्वायर जब बाहर चला गया तो वन बच गया और प्लस वन अपॉन एक्स आ जाएगा, इस बात को तो समझ आती होगी ना भाई, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर के अंदर ही रहा और प्लस एक्स है वो ऐसे का ऐसे ही रहा। अब आगे चलते हैं मजीद, तो लिमिट्स एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स अपॉन डिवाइडेड बाय, जरा देखिए क्या होगा, अब ये स्क्वायर रूट है एक्स स्क्वायर के ऊपर आया तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होकर एक्स बच गया, और यही स्क्वायर रूट वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के बाद भी आ जाएगा और ये प्लस एक्स हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब जरा देखिएगा इस टर्म के अंदर, इस टर्म दोनों के अंदर एक्स एक्स आ रहा है, इसको हम कॉमन लेते हैं। चलें जी कॉमन लेते हैं इस स्टेप में, तो एक्स अपॉन, जरा देखिएगा मैंने एक्स कॉमन निकाला तो मेरे पास अंदर क्या बचा, अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स लिखा तो एक्स बाहर चला गया तो वन रह गया। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो अब जरा देखिए ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट्स एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी वन अपॉन डोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस वन। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो अब जरा देखिएगा आपका क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सीधा, तो अब हम यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, अप्लाइंग
लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स को हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। तो जरा देखिएगा यहाँ पे लिमिट्स क्या देनी है, एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। तो आपको पता है जहां जहां क्वेश्चन के अंदर एक्स होगा वहां पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वन अपॉन वन अंडर रूट वन प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या, इन्फिनिटी ही रहेगा और प्लस वन रहा, इज इक्वल टू आगे चलते हैं वन अपॉन, आगे चलते हैं वन प्लस अंडर रूट वन प्लस, अब वन अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर हो गया, जीरो के, आपको पता है, और प्लस वन इसके सिंपल है। अब आगे चलते हैं वन अपॉन अंडर रूट, दे देंगे वन, वन के अंदर जीरो जमा किया तो वन ही आएगा प्लस वन, आगे चलते हैं वन अपॉन अंडर रूट वन, अंडर रूट वन स्क्वायर रूट ऑफ वन लेंगे तो वन ही आएगा और प्लस वन ऑलरेडी ऐसे ऐसे लिखा हुआ था, इजिकल टू करेंगे वन अपॉन टू बन जाएगा, वन और वन टू, तो ये टू हो गया डोमिनेटर में। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है जी स्टूडेंट। आगे अगर जगह नहीं बची तो आप रिजल्ट की हेडिंग डाल के फुल अच्छे और पप्पू तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके आपका जो क्वेश्चन नंबर सेवन है का पार्ट नंबर थ्री है वो कंप्लीट होता है। अब हम अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर फोर ले लिया है जो आपके बुक में दिया है हूबहू। तो देखिए क्वेश्चन लिखा, सॉल्यूशन लिखा, अगेन क्वेश्चन को लिख लिया, लिमिट्स बोथ साइड लेंगे तो लाता है, इसीलिए मैंने लिमिट्स को बोथ साइड ले लिया है। अब हम लोगों को क्या करना होता है, जब हम लिमिट्स ले लेते हैं तो हमें पता होता है कि लिमिट जब इन्फिनिटी दिया तो हमें कॉमन लेना होता है। तो सर देखिएगा इसमें से अगर मैं कॉमन भी ले लूँ तो जो चीज़ कॉमन लूंगा वो कैंसिल आउट नहीं होगी। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनल स्पेलिंग गलत हो गए, रैशनल रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जो डोमिनेंट टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको डोमिनेंट टर्म क्या दी हुई है वो मैं बताता हूँ, लिमिट्स एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, डोमिनेंट टर्म क्या दी हुई है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, डोमिनेंट टर्म ये है तो उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो डोमिनेंट टर्म का बीच वाला साइन चेंज करेंगे, अगर ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, सिंपल उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड देन डिवाइड भी करेंगे। तो चलिए जी इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो अब जरा देखिएगा आगे क्या होगा, अब ऊपर वाले दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो चलें जी आई मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो जरा देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है जी, मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन से और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन से। तो अब जरा देखिएगा ऊपर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो एक फॉर्म बन रही है फार्मूले की, जो हमने पहले भी की हुई है, क्या एक फार्मूला लग रहा है, यानी कि एक बार माइनस में लिखा और एक बार प्लस में, आपको अच्छे तरीके से याद है जब एक टर्म माइनस में लिखी हो एक प्लस हम प्लस में लिखी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो चलें जी कर लेते हैं। तो लिमिट्स एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी माइनस की, ठीक है, तो जरा देखें ए का स्क्वायर करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, उसका होल स्क्वायर हो गया, सिंपल। तो जरा देखिएगा आगे क्या होगा, उसके नीचे क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो अब जरा देखिएगा आगे क्या हो रहा है, लिमिट्स एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वन बचेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, बाहर क्या है माइनस, तो आपको पता है बाहर माइनस तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था तो माइनस, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, उम्मीद है ये स्टेप नजर आ रहा होगा, डायरेक्ट कर दिया और हमने ये चीजें पहले भी की हुई हैं, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो आगे जरा देखते हैं अब क्या हुआ, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए, तो अब जरा देखें आपके पास क्या बचा, लिमिट्स एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, वन और वन, और वन कितना हो गया टू, और वो तो कैंसिल आउट हो गया, तो अब बताएं आपके पास यहाँ पे क्या बचा, प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है जी स्टूडेंट, ये हो गया सिंपल। तो अब जरा देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें अगर हम, अगर ऊपर मेरे पास एक्स बच रहा होता तो मैं फिर भी डोमिनेटर के अंदर से एक्स को कॉमन लेता और कैंसिल आउट कर रहा होता, तो ऊपर कोई चीज़ कैंसिल आउट ऐसे नहीं है कि मैं कॉमन ले लूँ तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मुझे नीचे भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दूंगा, अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग लिमिट्स। तो लिमिट्स आपको क्या दी है, एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, तो जहां जब क्वेश्चन के अंदर एक्स है वहां पे क्या जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो जरा देखें एक्स एक्स है तो एक्स का इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह स्क्वायर इन्फिनिटी आएगा, उसका स्क्वायर और माइनस। अब जरा देखें आगे क्या होगा, आपको ये वाली बात पता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, इन्फिनिटी, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो वही काम मैंने कर दिया, इधर भी इन्फिनिटी का स्क्वायर किया तो इन्फिनिटी आ गया। अब आगे चलते हैं, अब जरा देखिएगा इन्फिनिटी के अंदर प्लस वन किया तो मेरे पास इन्फिनिटी आ गया प्लस, अब इन्फिनिटी से मैंने माइनस वन किया तो इन्फिनिटी आ गया, ये वाली बात आपको पता है, कॉमन सेंस की बात है। अब इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट किया तो इन्फिनिटी आया, और इन्फिनिटी का अगेन स्क्वायर रूट किया तो इन्फिनिटी आया। अभी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी के अंदर स्क्वायर किया तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को ऐड किया तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि डोमिनेटर के अंदर आपके पास क्या आ गया, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि डोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए किसके बराबर होते हैं, जीरो के, तो ये चीज़ किसके बराबर होगी, जीरो के। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आगे जाके आपने रिजल्ट की हेडिंग डाल देनी है, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे इन्फिनिटी की रिजल्ट की हेडिंग डाल दी, और लिमिट्स एक्स अप्रोच टू आपको क्या मालूम करना था, माइनस इन्फिनिटी, और एफ ऑफ एक्स था तो वो क्या आए, जीरो। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके आपकी जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो होती है कंप्लीट, तो एक्सरसाइज 1.7। तो यहाँ पे मुझे इजाजत दें, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, इसके अलावा आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं। अल्लाह।